नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिनभर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की सभी दलों से अपील, बोले चुनाव तो चलते रहेंगे, बजट सत्र को फलदायी बनाएं। बजट से पहले दिल्ली की महिलाओं की वित्त मंत्री से अपील, आम बजट 2022 के जरिए महंगाई कम करने की मांग। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, विशेषज्ञों का अनुमान, कोरोना की तीसरी लहर का पीक हुआ खत्म, पुष्टि के लिए आखिरी आंकड़ों के इंतजार में हेल्थ मिनिस्ट्री। कस्तूरबा नगर गैंग रेप और बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की अपील, पीड़िता की पहचान न करें उजागर, सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली में फिर करवट बदलेगा मौसम, 2 फरवरी से तेज बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने कहा फिर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से अपील की, उन्होंने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं लेकिन बजट सत्र को सफल बनाने के लिए सभी जरूर मौजूद रहें। उन्होंने सभी सांसदों का स्वागत भी किया, देखिए पूरी रिपोर्ट। बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है, मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन, पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मदद रूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आना वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, माननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो,
इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फरवरी की पहली तारीख यानी कल संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महिलाओं ने अपील की है कि वह इस बजट के माध्यम से महंगाई पर अंकुश लगाएं। हमारे संवाददाता कमल कंसल ने महिलाओं से बातचीत की, आप भी सुनिए महिलाओं ने क्या कहा। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है और इस बजट में गृहिणियों के लिए क्या रहने वाला है या फिर किस तरीके से गृहिणी जो है वो इस आम बजट से कितनी उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं। महंगाई तो बहुत ही हो रही है पहले के हिसाब से। जहां राशन पहले 6,000-7,000 में आ जाता था पूरे महीने का, अब 10,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो गई है। अब तो हर चीज़ महंगी, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा, हर चीज़ महंगी। तो लेकिन बजट पेश होने वाला है, सरकार से क्या मांग करती है? सरकार से यही अपील करते हैं कि जिनके घर में कुछ बंदी इनकम थोड़ी सी आती है, सैलरी क्लास जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान छोटे लोगों का, गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का ध्यान रखते हुए थोड़ा हिसाब से बजट इंक्रीज करें। क्योंकि वित्त मंत्री एक महिला है, उस नाते से, हाँ तो उस नाते से वो हमारा समझेंगी, उनको समझना चाहिए कि महिलाओं को कैसे मैनेज करना पड़ता है किचन को, तो सबसे ज़्यादा तो किचन ही बजट ही लाता है, तो इस वजह से मेरी अपील है उनसे कि महिलाओं को देखते हुए वो थोड़ा बजट का ध्यान रखें। बहुत परेशान हूँ मैं गवर्नमेंट से, पहले सिलेंडर इतने कम रेट में थे और अब इतने ज़्यादा है कि किचन की आपूर्ति भी पूरी नहीं हो पा रही है। जो मेन किचन की रसोई है उसी सिलेंडर से ही महंगी, बच्चों का दूध है, चाय है, ऊपर से कोरोना ने मार दिया, ऊपर से गवर्नमेंट ने और मार दिया सिलेंडर के रेट बढ़ा के। दालों को देखो वो रेट बढ़ते जा रहे हैं, चीनी के देखो वो बढ़ते जा रहे हैं। जो मेन कम से कम चीज़ें हैं, मेन कम से कम उनको तो कम करें गवर्नमेंट। मेरी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सिलेंडर के दाम को बढ़ने को बिल्कुल रोक दिया जाए और इसको कि आम बंदा इसे कम से कम खाना बना के तो खा सके। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। बजट पेश किया जा रहा है, महिला एक वित्त मंत्री है, क्या मांग करती है कि जो बजट है वो किचन के अनुसार बनाया जाए? हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले किचन के अनुसार बनाया जाए, किचन से ही सारी जरूरतें पूरी होती हैं। हस्बैंड अगर कुछ कमा के लाएगा, किचन में राशन पानी नहीं होगा तो बंदा कैसे चलाएगा? बच्चों का दूध है, चीनी है, चाय पत्ती, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर में सिलेंडर, जिससे कि मतलब बच्चों को हम दूध भी गर्म करके नहीं दे सकते। हम सोचें दूध गर्म करने से पहले कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा, हम सिलेंडर को बंद कर दें फटाफट, बेटा रोटी ठंडी खा लियो, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है इससे गवर्नमेंट से मेरी बार बार कि सिलेंडर के रेट में कमी की जाए और खाने पीने की चीज़ों में जितना हो सके कि जिससे कि आम बंदा अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके, ऐसा ना हो कि बच्चे और गृहिणी और ज़्यादा परेशान हो जाए। इसको अंजलि जी, किस तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ रही है सरकार से क्या मांग कर रही है? देखिए महंगाई नोटबंदी के बाद ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है और जो गरीब थे वो और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अमीरों को तो चलो वो एक्चुअली प्रॉपर्टी में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे तो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं उनको बहुत इफेक्ट पड़ता है। चाहे गैस ले लो, पाइपलाइन के थ्रू ज़्यादा बिल आने लगा है, नॉर्मल गैस सिलेंडर 600-700 रुपीज़ था पर अब 1,000 से अबव बिल आ रहा है, तो हम भी सोच समझ के करते हैं कि हाँ भाई मतलब थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए थोड़ा, इस मिडिल क्लास लोगों को देख कर ही थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। बजट पेश होना है तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा बहुत महंगाई थोड़ा कम करें सब्जियों के लिए, दालों के लिए, ताकि हम भी और चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि सेविंग्स इस टाइम पे है नहीं, जो हम बंदा कमा रहा है वही खा रहा है। यही तेल और रिफाइंड का इतना ज़्यादा रेट हो गया है कि पहले से डबल, तो इसलिए हमारा थोड़ा जो घर का हमारा बजट है वो बिल्कुल हिल चुका है, हम लोग सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जो आ रहा है वो हम खा रहे हैं। कुछ बच्चों का आजकल एजुकेशन इतनी महंगी है, स्कूल में जाओ इतने खर्चे हैं कि हम पर्सनल अपने इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बच्चों पे ही लग रहा है, खाने पीने पे ही लग रहा है। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं मांग कर रही हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों गैस की जो महंगाई हुई है और साथ ही साथ जो वनस्पति तेल हैं उनकी भी महंगाई जो है बढ़ी है, जिसकी वजह से सरकार से मांग कर रही हैं कि एक जो वित्त मंत्री महिला होने के नाते वो सरकार से मांग कर रही हैं कि महंगाई पर जो है वो लगाम लगाई जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।
राजधानी समेत देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक अब समाप्त हो रहा है, लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 14 दिन तक लहर रहती है। ऐसे में अभी आने वाले 4 दिन के आंकड़ों को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले में कमी देखने को मिल रही है। 21 जनवरी को रिकॉर्ड 3.47 लाख नए संक्रमण केस देखने के बाद नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई। इसको लेकर अब विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर की पीक पार हो चुकी है और ये धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वायरस का संक्रमण काल कुछ 14 दिनों का होता है, इसीलिए अगले 4 दिन के आंकड़े और देखे जाएंगे, इसके बाद अंतिम नतीजा निकाला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को कोरोना के 2.34 लाख नए संक्रमण दर्ज किए गए और पिछले 9 दिनों से इसमें कमी का रुझान बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि 21 जनवरी से अगले 14 दिनों तक के आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि वायरस का संक्रमण काल 14 दिन का है। ऐसे में अब अगले 4 दिनों के संक्रमण के आंकड़े ये तय करेंगे कि तीसरी लहर की पीक पार हो चुकी है या फिर अभी आना बाकी है। तीसरी लहर का पीक पार पर बीते सप्ताह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने कहा था कि कोरोना के मामले एक सप्ताह से स्थिर हो चुके हैं, ये तीसरी लहर के कमजोर पड़ने का संकेत है। वहीं आपको बता दें कि देश भर में बीते एक सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई और एक्टिव केस तेजी से कम होते हुए 18 लाख के करीब ही रह गए हैं, जो 22 लाख के पार पहुंच गए थे। राहत की बात यह है कि देश की 75% वयस्क आबादी को टीके की दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। 26 जनवरी को कस्तूरबा नगर में युवती के साथ हुई दरिंदगी को लेकर अब DCP ने एक अपील जारी की है, जिसमें कहा गया है कि युवती की पहचान उजागर न करने दिया जाए। यदि किसी ने भी पहचान उजागर की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कस्तूरबा नगर का सेक्सुअल असॉल्ट केस है, इसमें विक्टिम के बारे में, इंसिडेंट के बारे में कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू रूमर्स फैला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विक्टिम्स का आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, इंसिडेंट के ऊपर कम्युनल आंकड़े देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम ने सुसाइड कर लिया, ऐसे कुछ लोग गलत रूमर्स फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ब्लैटेंटली फॉल्स है। विक्टिम बिल्कुल सेफ है, अभी हमारा पुलिस ऑफिसर ने विक्टिम को मिलके आया है। इसी तरह का कोई भी अगर रूमर्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया के थ्रू और किसी मीडिया के थ्रू फैलाने के लिए कोई भी कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ जरूर लीगल कार्रवाई होगा। बाकी जो जितने भी लोग अभी जो गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट किए हैं, रूमर्स फैलाए हैं, इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं। बाकी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह का रूमर्स, गलत इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर ना करें, बाकी अपना जिम्मेदारी समझ के अपना काम करें। अंत में बात करते हैं मौसम की। पिछले दिनों जहां तेज बरसात के कारण कड़ाके की ठंड पड़ी, वहीं अब मौसम विभाग ने बताया है कि 2 फरवरी से बारिश फिर हो सकती है, इसके बाद फिर दोबारा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी में ठंड और रिकॉर्ड बारिश के बाद फरवरी के शुरुआत में भी बारिश होने का अनुमान है। दरअसल राजधानी में कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली है। दिल्ली वालों को ऐसा मौसम 2 दिन और देखने को मिल सकता है। उसके बाद मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बरसात हो सकती है, इससे न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा और अधिकतम तापमान में हल्की कमी आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से आने वाली 2 फरवरी को दिल्ली NCR में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ ही गुरुवार के दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शुक्रवार के दिन भी हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है।
इसी के साथ दिल्ली में प्रदूषण का कहर भी देखने को मिल रहा है। सफर की माने तो दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। औसत AQI 302 दर्ज किया गया। बता दें कि रविवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी दिल्ली में बहुत ही जल्द बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पेट्रोल पंप पर वाहनों में डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसे में दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।